समाजवादी पार्टी के नेता और विधान परिषद के सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण की चौपाइयों पर सवाल खड़े किए हुए कुछ चौपाइयों को बैन करने की मांग की है। वहां उन्होंने बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को अंधविश्वास फैलाने वाला बताया। इस पर जेएमबी न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो लगातार एक के बाद एक अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और अब इन्होंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल बिहार से शुरू हुआ यह मामला अब उत्तर प्रदेश पहुंचा है और इस कड़ी को आगे बढ़ाया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। वैसे तो स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। कभी बसपा में रहे, फिर भाजपा में गए, अब समाजवादी पार्टी की ओर से विधान परिषद के सदस्य हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों लगातार वो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मौर्य जी, क्या वजह है, कौन सी वो चौपाइयां हैं जिस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? देखिए, हमें किसी को कहीं खड़ा करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इतना जरूर है जिस अंश की ओर आप इशारा कर रहे हैं, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें कुछ ऐसे अंश हैं जिनके माध्यम से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें नीच और अधम कहा गया है। जे बड़ाधम तेल कुमारा सुपच की रात को और इत्तेफाक से जिन भी जातियों का इसमें जिक्र किया, इसका अर्थ भी बताइए आप, अगर आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये नीच जातियां, हाँ, जिसमें तेली, कुम्हार, सुपच माने भंगी, किरात, कोल, कलवार, जसवाल, ये सब हिंदू जातियां हैं। इनमें से कुछ जातियां अब सवर्ण भी हैं? इसमें एक भी सवर्ण नहीं है जिसमें जो नाम आया है, कोई सवर्ण बता दीजिए। जयसवाल बिरादरी, बनिया बिरादरी किस वर्ग में आ रहे हैं? वो भी बैकवर्ड में आती है। वो सामान्य में भी आते? नहीं, सामान्य में नहीं आते, आप ज्ञान बढ़ा लीजिए। अग्रवाल किस में आते हैं? नहीं, अग्रवाल इसमें है ही नहीं, तो जयसवाल के लिए अग्रवाल का इसमें जिक्र मैंने नहीं किया। पर्टिकुलर जयसवाल और गुप्ता तोड़िए नहीं, जो शब्द उसमें। अच्छा चलिए, आप बताइए तो आप इसका पूरा अर्थ बताइए। नहीं, बता दिया। अच्छा, इनको धर्म किसी को अधम और नीच होने का प्रमाण पत्र नहीं देता, इसके लिए सरकारी मशीनरी होते हैं। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज, अब ये इत्तेफाक से सभी जातियां हिंदू हैं, तो क्या कोई धर्म अपने मानने वाले को नीच होने का प्रमाण देता है क्या? एक चीज। दूसरी चीज, इसी तरीके से एक अंश है कि ढोल गंवार शूद्र पुष्णारी सकल ताड़ना के अर्थ, यानी ताड़ना तड़िए मारिए। नहीं, ताड़ना का अर्थ मारने के अलावा भी तो कुछ हो सकता है, आप बता दीजिए। हो सकता है नियंत्रित, आप ज्ञानी हैं बताइए। नहीं, आप बताइए, ताड़ना का अर्थ मारने से ही। इसीलिए हाँ, कि धर्माचार लोग सफाई देते हैं कि उनको शिक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन तो फॉरवर्ड लेते हैं, उनको क्यों नहीं लिखा आपने, शामिल किया? यानी इनको दंडित किए जाने का प्रावधान किया और उसमें पशु भी है, पशु की शिक्षा देंगे क्या? नियंत्रित तो किया जा सकता है। वाह, क्या बात है। तो इस तरीके से आज केवल शूद्रों को नियंत्रित करेंगे, केवल महिलाओं को, देश की सारी महिलाओं को नियंत्रित करेंगे? जिन महिलाओं में आप दुर्गा काली चंडी देखते हैं उनको आप नियंत्रित करेंगे? नहीं, आप दुर्गा काली चंडी की भी बात करते हैं, सवाल भी उठाते हैं। नहीं, आप उठा रहे हो, हमारे कहने का मतलब, सारी महिलाएं, हमारी संस्कृति है यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, और वहां तुलसीदास की रामायण में पूरी नारी समाज को ले लिया किसी वर्ग की। ये तो आपको आपत्ति किससे है, हिंदू धर्म से या तुलसीदास की रामायण से? तुलसीदास जी की रामायण समय क्यों कष्ट होगा? हाँ। तुलसीदास जी ने तो अपनी खुशी के लिए उसको लिखा है, इसलिए उस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो अपमानजनक टिप्पणी है केवल उससे आपत्ति है। तुलसीदास जी और इसको मोटा लीदी होते तब भी हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छा, वाल्मीकि की भी रामायण आपने पढ़ी हो? उस पर पढ़ी है, लेकिन उस पर जब पूछेंगे तो उसे बता देंगे। तो उसमें इस तरह की चीजें नहीं? हाँ, तमाम चीजें हैं, लेकिन अभी हम जब जिक्र आएगा तो बताएंगे। तो आप क्या चाहते हैं? आप हम ये चाहते हैं कि जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं उसको प्रदर्शित किया जाए, और जो भावनाएं आहत होती है लोगों की, जो कहते हैं कि इस तरह के बयान से, मतलब आपकी भावनाएं बड़ी हो गई, जिन करोड़ों करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आपने गाली दिया, उनकी भावना नहीं,
जिन जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके उनकी भावना याद की, उनकी भावना नहीं, उनको भी बोलना चाहिए। जिन पूरे महिलाओं, जिन पूरे महिलाओं का आपने अपमान किया उनकी भावना नहीं, तो उनको इसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। केवल स्वामी प्रसाद अभी अभी करेंगे, सब करेंगे, आने दीजिए, सब मौका आएगा, वो भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, वो भी मौका आएगा, वो भी देखते चलेंगे। तो आप चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो? स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधित हो, पूरी रामायण प्रतिबंधित हो या टिप्पणी? पूरी रामायण क्यों प्रतिबंधित हो? वो टिप्पणियां प्रतिबंधित हो जिससे भावनाएं आप होगी। तो केवल यही इन दो टिप्पणियों से आपको? अरे और भी हैं, आप दो काफी है। अच्छा, दो अभी आप, बाकी और हैं? और भी है, हम बोल दिया सबको। आजकल बागेश्वर धाम पे भी सवाल उठ रहे हैं। अभी आपने कई चैनलों पर बोला कि पाखंड की ओर लोगों को ले जाया जा रहा है। आप पाखंड का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बोल रहे हैं सुबह टीवी चैनल, भाई अंधविश्वास पाखंड ने देश का बंटाधार किया, तमाम समाज सुधारकों ने बड़ी मुसीबत झेल करके इस देश को नई सोच के, सारा इलाज सारा दवा अगर बाबा जी कर लेंगे तो क्या आवश्यकता है पूरे मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, पीएससी, सीएससी और निजी अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल, क्या जरूरत है इनकी? तो बाबा जी के समर्थक करें कि हम सॉफ्ट टारगेट हैं, इस वजह से हमारे पे ज्यादा उंगलियां उठती, हाना लुहिया ईसाई धर्म पे इस तरह की बातें होती हैं, उन पर सवाल नहीं उठता है, वो भी दरबार लगाते हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। जो भी गलत काम करे सब पे उंगली उठेगी। ये तो अभी कल के बच्चे हैं, बाबा के वेश में धर्माचार्य बनकर के अभी आए हैं, उंगली किस पर नहीं उठी? तमाम तमाम बाबा जेल में चले गए हैं, तमाम उन पर भी उंगलियां उठी, वो इनसे बड़े बाबा थे, बहुत बड़े बाबा थे, उनका कदकाठी आसमान पर था, लेकिन आज जेल में है। इसलिए ऐसा नहीं है, धर्म का चोला पहन लेने से कोई भगवान का अवतार नहीं हो जाता है। तो आप किस धर्म को मानते हैं? हम सब धर्म को मानते हैं, हम इंसानियत को मानते हैं, मानो मानो एक समान की विचारधारा हमारी है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी वर्ग का सम्मान करते हैं, सभी समाज के लोगों का सम्मान करते हैं। हमारी नजर में जो भी इस देश में रहता है वो भारतीय है, हमारा भाई है। समाजवादी पार्टी में आप हैं, सर्वधर्म सर्वसंभाव की बात होती है, आपके इस तरह के बयान से अगर आप कह रहे हैं कि 5% लोग, मैं कह रहा हूँ 2% लोग अगर वो प्रदर्शन करें या वो कहें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों से हमारी भावनाओं को आहत हुआ है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है, हम तो चाहते हैं वो विरोध करें, उसके एवज में फिर 85% सड़क उतरेगा। तो आप मतलब इसीलिए बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आप अगर उनसे, अगर आप कहिए जाकर के, आप उनके संदेश भाग के रूप में आए हैं। नहीं, मैं उनके तो संदेश भाग के उनको में नहीं, धरना करवाए हैं, हम उसका प्रतिकार करवाते हैं, चलिए यही हो जाए, पार्टी आपके साथ रहेगी। अरे हम हैं कि नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य है कि नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है क्या? यानी आप अपनी जिम्मेदारी पर स्वाभाविक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं? तो आगे भी इस तरह की बातें आवश्यकता अनुसार जब आप पूछेंगे जरूर बताएंगे। तो ये हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिन्होंने बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर सवाल खड़े किए हैं, और इनका कहना है कि इस तरह की चौपाइयां जिसका गलत अर्थ निकल रहा है या समाज में उन चौपाइयों से ठेस पहुंच रही है, उस पर लगाम लगानी चाहिए, उन पर बैन लगाना चाहिए। अब फिलहाल देखने वाली बात है कि इसका असर उत्तर प्रदेश में क्या होता है, क्योंकि बिहार में लगातार शिक्षा मंत्री का विरोध हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में इस मैसेज को लोग किस तरह से कन्वे करते हैं। कैमरामैन शुभम उपाध्याय के साथ अभिषेक शर्मा, जेएमडी न्यूज, लखनऊ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है @jmdnewsflash।